मैं खांसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। खांसी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर खांसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। कई बार खांसी साइनस या एलर्जी की वजह से होती है, जो नाक का रेशा है गले में गिरता है, गले को इरिटेट करता है और खांसी होती है। कई बार पेट का तेजाब ऊपर गले में छलकता है, इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, और ये गले को इरिटेट करता है। और सूखी खांसी एक रिफ्लक्स का भी सिम्टम हो सकती है। तीसरी चीज़ जो खांसी है, कई बार वो हमारे फेफड़ों से संबंधित भी हो सकती है। तो अगर खांसी का मरीज़ 2-3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूरी है कि छाती के विशेषज्ञ उसकी जांच करें, उनके फेफड़ों को देखें, और कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। और खांसी सूखी हो सकती है या खांसी बलगम के साथ हो सकती है, तो दोनों का ट्रीटमेंट होता है। एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि खांसी का कारण क्या है, उस पर हम ध्यान करें और वो कारण को डायग्नोज करें और ठीक से ट्रीट करें। कई बार कई सीरियस बीमारियां, जैसे अर्ली कैंसर है विंड पाइप का, या कोई और नीचे जाके बीमारी है, वो भी खांसी का सिम्टम दे सकती है।